स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के साथ डायरेक्ट फील्ड से रूबरू होंगे और आज हम लोग जानेंगे मेज प्लांट को। मेज जिसको हम लोग बायोलॉजिकली जिया मेज बोलते हैं, बायोलॉजिकल जो इसका टर्म है, नेम है, वह है जिया मेज। आप याद रखेंगे कि यह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं मेज का फील्ड, यह एक मोनोसियस प्लांट है। मीन्स व्हाट, कि ऐसा प्लांट जिस पर दोनों फ्लावर होगा लेकिन सेपरेट फ्लावरिंग होता है। यह जो अभी मेरे हाथों में है, यह स्टूडेंट्स टैसल के नाम से जाना जाएगा, टैसल। और यह है क्या, मेल फ्लावर। आप याद रखेंगे कि पोलन ग्रेन्स का यहीं पर डेवलपमेंट होता है, पोलन ग्रेन्स यहीं डेवलप करेंगे। और यह जो नीचे की ओर देख रहे हैं आप, कॉर्न विद सिल्क, या सिल्क के नाम से जाना जाता है, जो आप फाइन हेयर देखते हैं, यह फीमेल फ्लावर है और यहीं कॉर्न डेवलप होता है। मेज के बारे में दो चार पॉइंट और याद रखेंगे। मेज हमारा मोनोकॉट है, मोनोकोटिलेडोनियस प्लांट है यह। इसका क्या मतलब, इसका अगर हम रूट देखेंगे, रूट तो अभी हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन जब आप इसका रूट देखेंगे, रूट इसका होता है फाइबरस, और इसमें एडवेंटिटियस रूट भी डेवलप होता है सपोर्ट के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। पहले आप एक टर्म याद रखेंगे कि यह जो इसका लीफ है, इस पर वेनेशन होता है पैरेलल, पैरेलल वेनेशन हम लोग देखते हैं मोनोकॉट के लीफ पर। आप याद रखेंगे, यह पॉइंट आप जानते भी होंगे। और यहाँ आप देख पाएंगे कुछ, यहाँ देखिए मेरे सामने, यह जो है कुछ उसके सपोर्टिंग रूट्स हैं, यहाँ आप देख रहे हैं सपोर्टिंग रूट्स हैं, स्टेम से डेवलप किया है, प्रॉप रूट इसको बोलते हैं, प्रॉप रूट। ये आप देख रहे हैं रूट, यह एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, यहाँ स्टेम के नोड से। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह नोड है और यह भी नोड होगा, ये देखिए, ये नोड, और बीच का जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोड। और नोड से ही एक्स्ट्रा रूट डेवलप किया है एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, प्रॉप रूट के नाम से जाना जाएगा। आई होप कि आप मेज के बारे में यह इन्फॉर्मेशन समझे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।